सही चीज है यार। देखो उधर से बोलते हैं और इधर पूरी आवाज आती है। और ये पूरी की पूरी सुरंग इस मंदिर के नीचे बनी हुई है। और यहाँ पे अंदर देखो, आज तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। यहाँ पे देखो कुछ रूम बने हुए अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और ये एक्चुअली न्यू ब्लॉग नहीं है, रायसेन ब्लॉग का जो हमने पार्ट वन शूट किया था उसके आगे जस्ट ये कंटिन्यू है। तो दोबारा से हम लोग ये रायसेन किले पे आ चुके हैं और सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी हालत ख़राब हो रही है, गर्मी का मौसम है। तो किले के अंदर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे अब किले का जो दूसरा पार्ट था उसको थोड़ी एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए किले का मैप यहाँ पे दिया हुआ है और ये देखिए किला आपको पीछे दिख रहा होगा। तो इस किले के अंदर जाके हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। बोलते हैं काफ़ी सारी सुरंगें हैं, काफ़ी सारे गुप्त रास्ते हैं, तो उन सारे गुप्त रास्तों को यहाँ पे देखते हैं और किले को एक्सप्लोर करते हैं। तो महल के अंदर जाने पे हमें सबसे पहले यहाँ पे ये लगता है एक मंदिर है और पीछे ये मैन किला है। तो पहले हम लोग यहाँ पे मंदिर की तरफ विजिट कर लेते हैं और अंदर देखते हैं कि ये मंदिर ही है या कुछ और है। तो इसके अंदर चल के हम लोग देखते हैं। और ये एक मंदिर ही है। वाह यार, देख कितना सही मंदिर है। ये मंदिर होगा कम से कम 1000-2000 साल पुराना। कितने पुराना है मुझे ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में पता नहीं। यहाँ पे ये मंदिर होगा लगभग, हाँ आराम से 1000 साल पुराना होगा। दिल्ली का जो राजा था सेठ शाह सूरी, उसने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो सोच सकते हो कि कितना पुराना किला है ये। और ये देखो मेरे चारों तरफ खंभे लगे हुए हैं। पीछे यहाँ पे ये मंदिर दिख रहा है, देखिए खंभे, पूरा एक पत्थर से बना हुआ है। सही है ना यार। और ये देखिए क्या है, ये शायद मुझे लगता है कि वो मंदिर में जब रात हो जाती होगी तो रोशनी करने के लिए दीपक लगाते होंगे, वो है क्या? दीपक वाले मंदिर, सही मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है। बहुत सही मंदिर बना यार। और ये देख गेट, इसकी फिनिशिंग आज भी देख कितनी मस्त है। तो ये शंकर जी का मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर लग रहा है। यहाँ पे शंकर जी की शिवलिंग बनी हुई है, बहुत पुराना मंदिर है यार। ये शिवलिंग भी हजारों साल पुरानी है। अभी मंदिर में निकलते वक्त जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दी वो है यहाँ पे सुरंग, एक उस साइड है और एक इस साइड बनी हुई है। और मुझे लग रहा है ये काफ़ी लंबी सुरंग है। इसके अंदर जाने का रास्ता है क्या? रास्ता ये दिख रहा है ना, वैसे जाना तो अलाउ नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिस्क मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा अंदर से दिखाने के लिए। बहुत बड़ा है यार, सत्य है बहुत बड़ा है ये। यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ अगर तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है इसके राइट साइड में यहाँ पे दो और गेट बने हुए हैं। इन गेट से अंदर मुझे लग रहा है काफ़ी एक रूम टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए दिख रहा होगा आपको। तो अभी हम लोगों ने ये सुरंग पे अंदर आने का डिसीजन ले लिया है। और ये देखो कितनी लंबी सुरंग है, और ये पूरी की पूरी सुरंग इस मंदिर के नीचे बनी हुई है। और यहाँ पे अंदर देखो
आज तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। यहाँ पे देखो कुछ रूम बने हुए अंदर, चमगादड़ों की स्मेल आ रही है बुरी तरीके से। काफी मिस्टीरियस जगह है ना ये, देखिए इधर अंदर रूम बने हुए हैं, दिखा इसके अंदर क्या, इसके अंदर भी हम लोग जाके देखते हैं। चमगादड़ी चमगादड़ है। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम अंधेरा है। पहली बार यहाँ पे कोई घुस पाया है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और अभी हम लोग काफ़ी रिस्क लेके यहाँ पे घुसे हुए हैं। ये देखो तो बस कुछ इसी टाइप का बना हुआ है यहाँ पे, कुछ दिखाई भी नहीं देगा कैमरा में। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं इससे पहले कि कोई हमें पकड़ ले। तो मंदिर से हम जैसे ही जस्ट बाहर निकलते हैं तो हमें दिखाई देता है एक सामने महल। तो इस महल के अंदर चलते हैं हम और देखते हैं क्या है। तो ये महल के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं और ये काफ़ी बड़ा है यार, इस साइड का एरिया तो पूरा खंडहर हो चुका है। ये मुझे पता है कुछ वैसा लग रहा है कि जैसे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना कि जब राजा महाराजा कुछ सभा करते थे तो इतना बड़ा जो एरिया है पूरा यहाँ पे बैठ के शायद करते होंगे, ये कुछ उस टाइप का लग रहा है मुझे। तो अभी आपने जो महल देखा उसके पीछे आ चुका हूँ मैं और इसके पीछे ये पूरा महल बना हुआ है और ये बीच में मुझे कुछ कुएं जैसा कुछ दिख रहा है, पता नहीं क्या है, देखते हैं। बिल्कुल ये पानी के लिए बनाया हुआ है। ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं रायसेन के महल की सबसे खास बात यही है कि यहाँ पे क्या होता था कि ये जो छत बनी हुई है ना यहाँ पे जो वर्षा का पानी आता है उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता था और कहा जाता है कि रायसेन के महल में कभी भी पानी की कमी नहीं होती थी। तो ये किले का पूरा पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है और इसके अंदर जाने का रास्ता देखिए यहाँ पे है। तो इसके अंदर चल के भी हम देखते हैं और ये हम इसके अंदर आ चुके हैं। ये देखिए इस पूरी टैंक में पूरे किले का जो पानी है वो इकट्ठा होता है और इसके भी नीचे जाने के देखिए रास्ता बने हुए हैं और यहाँ से खड़े होके मैं आपको व्यू दिखाऊं अगर तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का, थोड़ी खतरा भी है। तो अभी मैं आ चुका हूँ इस महल के अंदर वाले पार्ट में और ये एक कुत्ता भागा यहाँ से, बेचारा डर गया। और ये एक पूरा खंडहर है, पूरा वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पे देख ध्यान से, ठीक है, चमगादड़ उड़ रहे हैं, मतलब चमगादड़ भरे पड़े हैं, बहुत तेज स्मेल आ रही है चमगादड़ों की यहाँ पे। अब आप खुद सोचो कि कितनी वीरान अवस्था में पूरा का पूरा ये महल पड़ा हुआ है। तो ये अभी हम लोग दूसरे महल पे एंटर कर रहे हैं और इसकी एंट्री तो यार ज़बरदस्त है। यहाँ पे एक गेट बना हुआ है, एक मिनट यहाँ पे रुक, ये क्या है, यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है ऊपर, रास्ता है क्या, रास्ता है, एक काम करते हैं चलते हैं ऊपर। कितनी पतली सीढ़ी है देख, सारी सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है। एक मिनट यहाँ पे दिखाना, एक मिनट आप लोग देखो कितनी पतली सीढ़ी है, मतलब मैं खुद इतना पतला हूँ फिर भी इतना एक मोटा आदमी कैसे चढ़ेगा यार यहाँ पे। और ये हम लोग ऊपर आ चुके हैं, ये देख एक रूम बना हुआ है और ये है इसके बाहर का नज़ारा। सही है यार, एक बार कैमरे से दिखाओ, देखो ये पूरा महल दिख रहा है यहाँ से। काफी अच्छी फीलिंग आ रही है यार। चलो आ जाए इधर,
पता है, एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि हजारों साल महल के ऊपर मैं अभी चढ़ा हुआ हूँ। और इस साइड क्या है, चारों तरफ महल ही महल दिख रहा है। इधर थोड़ा पैर संभाल के रखना, इधर पैर संभाल के रखना। हाँ एक्चुअली किला पूरा क्षतिग्रस्त है। कुछ रूम उस साइड भी बने हुए हैं ना। एक देखिए कि ये रूम बना हुआ है। ऐसे कितने सारे रूम बने हुए हैं यार। एक काम करते हैं अपन, वो सीढ़ियों से यहाँ पे चलते हैं फिर। ये देखिए यार, ये वाली सीढ़ी, इसके ऊपर क्या होगा? ये तो बहुत ऊंची है, सीढ़ी ही नहीं इसमें चढ़ने के लिए। तो ट्राई मारे, देखते ऊपर। एक काम करता हूँ, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, तो मेरे पीछे आना, ठीक है? वहीं पर रुक, अभी मैं आ रहा हूँ। यस आ जा, ये कैमरा चला जा। ये देखे एक सीढ़ी इस साइड भी बनी हुई है, मतलब यहाँ पे चढ़ो और वापस नीचे उतर जाओ। ये क्या, एक बात तो है, सीढ़ियाँ बहुत सारी हैं महल में और कमरे भी बहुत सारे हैं। इस तरीके के कमरे बहुत सारे पूरे महल में आती है, जगह जगह सीढ़ियाँ हैं। इस साइड कमरे हैं, देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ। और इस तरीके के खूबिया रास्ते भी बहुत मिलेंगे। क्या है ये, ओ इधर इधर। अब हम आ चुके हैं किले के मेन पॉइंट पे। ये देखिए यहाँ से आपको पूरा शहर दिखेगा नीचे। क्या सही व्यू है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है काफी। पता है अभी हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? एक बात नोटिस की होगी, गर्मी कितनी हो रही है लेकिन यहाँ पे थोड़ी ठंडक है। तो लोकेशन तो बहुत अच्छी है और यहाँ पर बैठ के हम लोग थोड़ी देर खाना पीना खा लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं किले का दूसरा व्यू दिखाने के लिए। भूख लगी है बहुत तेज यार, खाना स्टार्ट करते हैं। चलो यार खोलो, ये हमारा लंच बॉक्स है, ये साथ में पानी की बोतल है, तो चलिए खाना फ्रेश कर लेते हैं। व्यू तो दिखा रहे हैं लोग को, हम लोग बैठ के कहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। देखो यार क्या शानदार व्यू है, दूर दूर तक आपको केवल खेत दिख रहे होंगे, बीच बीच में ये रोड दिख रही है, नीचे शहर दिख रहा है पूरा, तो काफ़ी शानदार व्यू है। तो खाना खा के यहाँ से फिर निकलते हैं। तो खाना हम लोग खा चुके हैं और किले के दूसरे सिरे की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। कुछ दिख रहा है क्या इस साइड? मुझे एक सीढ़ी दिख रही है, चलो ऊपर चलो देख। अरे ये तो पूरी अंधेरी है, चलो चलो चल के देखते हैं। ये अंधेरी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे पूरी, थोड़ी सी डरावनी लग रही है जगह। चमगादड़ है, बस देखते जाना, चमगादड़ बहुत सारी है यार। यहाँ पे पूरा खंडर बना हुआ है और यहाँ पे भी एक और खंडर है। है क्या रास्ता जाने का? नहीं, ब्लॉक है पूरा, इससे जा सकते हैं लेकिन ये पता नहीं मजबूत है अभी कि नहीं। देखें आराम से, पहले इसको मैं चेक कर लेता हूँ यार, पुरानी चीज़ यार मजबूत होगी। चलें चलो, बैलेंस बना के जाना। गिरूंगा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पांव ही टूटेंगे बस। अरे इस साइड तो है यार, इस साइड मस्त है। आऊं मैं? आजा। तो ये हम लोग आ चुके हैं किले की छत के ऊपर। ये वाली भी देखे, एक वैसी जगह है जहाँ पे अपन बैठे थे, उसी टाइप की कुछ जगह है। ये देखो किला पूरा टूट गया यहाँ से, और शहर का देखिए दूसरा सिरा यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। एक जहाँ हम लोगों ने खाना खाया था वहाँ से पूरा शहर दिखता है और दूसरा यहाँ से भी दिखता है। है क्या कुछ इधर, जरा संभल के आना यार, ये पत्थर जो है ना कमजोर है। हाँ ये थोड़ी पत्थर कमजोर है, और देखो यहाँ पे लिखा टूट भी गई है पूरी छत, तो देखो यहाँ से टूटी हुई है। ये कुछ कबूतर उड़ रहे हैं यहाँ से भी। अरे अरे एक और कबूतर उड़ा। यहाँ से व्यू भी बहुत सही है, इस साइड है, इस साइड एक अच्छी लोकेशन है। देख
वाह यार, ये तो वैसे ही है जहाँ पर खाना खाया था बंदा। यस, ये देखो यार व्यू। तो अभी मैं आ चुका हूँ महल के लास्ट हिस्से में। यहाँ पे देख सकते हो आप कुछ तोपे रखी हुई है, और यहाँ का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो कि वहाँ पे बना हुआ है, जिसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है यहाँ का ये इकोसिस्टम, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बारे में बता देता हूँ बाहर से, क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं है, हमने परमिशन लेके स्टार्टिंग में क्लिप बनाई थी। यहाँ पे क्या है कि इस आले में अगर आप बोलते हो धीरे आवाज़ में भी, तो वहाँ पे आपको जो दूर आला दिखाई दे रहा होगा, स्टार्टिंग में आपने क्लिप देखी होगी, वहाँ पे आपको क्लीन आवाज़ सुनाई देती है। मतलब जैसा आजकल टेलीफोन में होता है, वैसा कुछ हजारों साल पहले यहाँ पे बनाया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ का ये तोप। यहाँ पे देख सकते हो लाइन से बहुत सारी तोप रखी हुई हैं। ये है एक बड़ी तोप, और इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारी तोप रखी हुई हैं। ये एक उससे भी बड़ी तोप रखी हुई है, और ये कुछ छोटी टाइप की तोप रखी हुई है। और यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जो मुझे सबसे अच्छा लगा, मतलब सोचने वाली बात है, हजारों साल पहले कैसे इतना दिमाग लगाया होगा इन लोगों ने, क्या टेक्नोलॉजी थी पता नहीं। टेक्नोलॉजी ये थी कि जो भी यहाँ पे छत में बारिश का पानी इकट्ठा होता था, उसे वो लोग ये छोटी छोटी नाली से होके एक तालाब में ले जाते थे। और यहाँ पे एक तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है, एक कुंड है छोटा सा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी नहीं सूखता है। ये रहा वो, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, पता नहीं अंधेरे में आपको दिख रहा होगा या फिर नहीं, पानी अभी भी है यहाँ पे। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, चाहे कितना भी सूखा पड़े, ये पानी कभी भी नहीं सूखता है। और यहाँ पे ये कुछ और महल के हिस्से हैं जिसे ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये पीछे रहा मेरे इकोसिस्टम जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो इस महल में बस यही था, सारा पार्ट हमने घूम लिया है। इसके बाद हम लोग कुछ और देखते हैं पीछे साइड पे, अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो बिल्कुल दिखाएंगे आपको। तो अभी जो हमने मेन किला है वो पूरा घूम लिया है, और अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे शायद कुछ इंटरेस्टिंग हमें दिखा है। देखो सुरंग दिख रही है, देखो यहाँ पे एक सुरंग है, पता नहीं अंधेरे में आपको दिख रही है यार, देखो दूर दूर तक कुछ सामान रखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं, लेकिन देखो काफी लंबी दिख रही है यहाँ पे, दिख रहा है कुछ सामान अंदर रखा हुआ है। और ये सुरंग का शायद एक गेट बना हुआ है ना साइड, ये यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, एक गेट बना हुआ है। देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे कुछ और गेट बने हुए हैं। देख ये वही है, वो जो सुरंग अभी हम लोगों ने देखी, ये वहाँ से कनेक्ट हो रही है। हाँ, और ये रूम बने हुए हैं, और इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ दूर से, ये बहुत सारे रूम बने हुए हैं। मुझे लग रहा है ये शायद कुछ जेल टाइप का सिस्टम है, मतलब शायद यहाँ पे कैदियों को रखने के लिए, क्योंकि ये जो सारे रूम मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे हैं और सेपरेट बने हुए हैं ना, तो शायद ये जेल हो सकती है। तो वहाँ से निकलने के बाद किले के बाहर की तरफ हम जैसे ही बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है एक और दूसरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि पहले वाले से भी काफ़ी बड़ा है। ये देखिए काफ़ी बड़ा इसको बनाया गया है, इसमें बरसात का पूरा पानी इकट्ठा होता है और कभी ये सूखता नहीं था। इस तरीके से किले में पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। तो इसके भी नीचे चल के हम लोग देखते हैं, स्विमिंग पूल बोल सकते हैं। गर्मी में भी वहाँ पे कुछ पानी अभी भी है। हाँ वही तो, पानी की तो बेहतरीन सुविधाएं हैं किले के अंदर। तो किला पूरा हम लोगों ने घूम लिया है, और किले के ये पीछे देखिए गेट है, एक्चुअली ये किले का दूसरा गेट है। हम लोग आए दूसरे गेट से थे, और ये दूसरे गेट से अब वापस जा रहे हैं। तो ये रास्ता है नीचे जाने के लिए, यहाँ से होते हुए नीचे जाते हैं, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो ब्लॉग को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।